उसके अलावा हम पांच अदर स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं आर यूपी बिहार राजस्थान बोर्ड ई नोट ई बुक्स को हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक्सेस कर सकते हैं नाउ लेट स्टार्टिंग सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ये क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुकलेट जब वो आपका चैप्टर जैसे एग्रीकल्चर अपन ने किया है अभी तो एग्रीकल्चर चैप्टर जब वो खत्म होगा ना तो एंड में देर आर सम क्वेश्चंस एंड उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई चांसेस रहती है क्योंकि एनसीआर टी खुद मैंशन करके देता है वो क्वेश्चन आने की एग्जाम्स में राइट right? तो वो लास्ट में वो चैप्टर खत्म जब होता है ना तो एंड में वो क्वेश्चन हैं ओके okay? वो अपन वील बी डूइंग दैट क्वेश्चन ओके नाउ फर्स्ट क्वेश्चन one of the following describes a system of agriculture where a single crop, this is your क्यू is grown on a large area? आई विल बी गिविंग यू टेन टू ट्वेल्व सेकेंड्स मैं आउट हो जाऊंगी स्क्रीन से एंड यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू राइट द आंसर इन कॉमेंट सेक्शन आपको पार्टिसिपेट करना है तभी आपको मेमोरी में फिट हो गए होगा जो अपने पढ़ा है ना प्रीवियस क्लासेज मेंट्स वाई यू नीड टू पार्टिसिपेट एंड राइट योर आंसर्स इन द कॉमेंट सेक्शन ओके अगैन दिस इज योर क्यू योर टाइम स्टार्ट नाउ आई होप कि आंसर पता है सबको दैट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर अपन ने क्या पढ़ा था फर्स्ट प्रमेटिव एग्रीकल्चर राइट चैप्टर की जब स्टार्टिंग हुई थी तब टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में फर्स्ट प्रमेटिव पढ़ा था सेकेंड इंटेंसिव पढ़ा था एंड थर्ड अपन ने पढ़ा था प्लांटेशन प्लांटेशन किसके लिए किया जाता है प्रॉफिट मेकिंग पी से मैंने क्या बोला था पी से प्लांटेशन पी से प्रॉफिट मेकिंग प्रॉफिट मेकिंग में डाइवर्सिटी नहीं हो सकती प्रॉफिट मेकिंग सिंगल क्रॉप होगा एक बड़ा सा प्लॉट लेंगे एंड एक ही क्रॉप जैसे कॉटन है दैट्स कैश क्रॉप कॉटन ही पूरे प्लॉट पे उगाया जाएगा ठीक है सो दैट्स योर क्यू सिंगल क्रॉप प्लांटेशन एग्रीकल्चर मिल गया आंसर अपन को नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ राबी क्रॉप फर्स्ट आपका ऑप्शन है राइस सेकेंड ऑप्शन है ग्राम थर्ड मिलेट एंड फोर्थ इज कॉटन नाउ स्टार्ट क्या होगा इसका आंसर लेट सी ग्राम हाउ राबी से मैंने क्या याद कराया था आपको रजाई रजाई कब और अपन विंटर सीजन में राइट विंटर सीजन के क्रॉप्स क्या बताए थे खारिफ का तो मे, मेजर आपको पता था कि राइस है एंड राबी ठंडी के मौसम के जो मेजर क्रॉप्स थे सबसे मेन क्रॉप था अपना वीट सबसे पहला पन्ने पड़ा था सेकेंड था बार्ले फोर्थ था ग्राम थर्ड सॉरी ग्राम फोर्थ लिंसीड मेंशन था एंड मस्टर्ड दीज आर योर राबी क्रॉप्स, ओके वैसे ही राइस मिलेट्स एंड कॉटन ये आपके क्या है खारिफ क्रॉप्स, तो ऐसे में ये तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे क्या ऑप्शन बचेगा ग्राम ग्राम इज योर चना ओके और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेग्यूमिनस क्रॉप फर्स्ट ऑप्शन पल्सेस सेकेंड ज्वार थर्ड मिलेट्स फोर्थ सीसम योर टाइम स्टार्ट नाउ सो चाहे आंसर लेट्स सी पल्सेस पल्सेस का मैंने पूरा एक बायोलॉजी का डायग्राम बताया था ये बायोलॉजी में पढ़ते हैं आप बट अगेन आई एक्सप्लेन की सी दिस ये पल्सेस का एक किसी दाल पल्सेस क्या होती हैं दाल ओके okay? तो किसी दाल का प्लांट है पल्स प्लांट और वी कैन जस्ट से तुर दाल का प्लांट है ये ठीक है अब इसके जो रूट नोड्यूल्स है उस पे एक बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है जिसको हम क्या कहते हैं राइज़ोबियम अब राइज़ोबियम क्या करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसे अमोनिया में कन्वर्ट करता है जो प्लांट यूज कर सके ठीक है अमोनिया इज अ फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन ओनली तो दिस प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा हुआएगा ये बायो के क्लासेस में फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम एटमोसफियर इज नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन कर रहा है बैक्टीरिया कॉन राइजोबियम किसके वाया कहा प्रेजेंट है लेगुमिनस प्लांट के दिस तुअर दाल का प्लांट इज योर लेगुमिनस क्रॉप मैंने तब जब मैंने पल्स पढ़ाया था तब मैंने माफ भी करवाया था ये की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है जस्ट रिमेंबर दिस लेगुमिनस मतलब पल्सेस। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन थर्टी वर्ड्स रिमेंबर दिस वर्ड लिमिट एक्सचेंड नहीं होना चाहिए वरना आपको बाकी क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा और वो एंड में छूट जाएंगे क्वेश्चन सो नेम वन इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप एंड स्पेसिफाई द जोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ योर टाइम स्टार्ट नाउ देखो आई नो यूमसी को क्वेश्चन नहीं है बट आपको यूनिक थॉट तो आना चाहिए ना कि इसका बे, बेवरेज का मीनिंग क्या होता है क्या हो सकता है पूरा अपने तो बेवरेज में में क्रॉप पढ़ा था अपन ने बेवरेज का लिटरल मीनिंग में बता दू तो ड्रिंक अदर देन वॉटर अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बेवरेज का मीनिंग ही ये आएगा कि ड्रिंक अदर देन वॉटर जिसे रिफ्रेशमेंट भी बोल सकते हैं ओके शमेंट नाउ आंसर देखते हैं ओके यहां पर क्या मैंशन है टी बट आप अगर आपके कॉफी भी दिमाग में आए तो दैट इज ऑल्सो नाइट दैट इज ऑल्सो करेक्ट ठीक है नेम वन बेवरेज क्रॉप अपने दो पढ़े थे टी एंड कॉफी कोई सा भी आप मेंशन कर सकते हैं इसमें एंड स्पेसिफाई द जोग्राफिकल कंडीशन पूछिए तो आंसर क्या है टी इज एन इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप दिस प्लांट और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स मैंने पूरा अर्थ जो अपना ग्लोब था समझाया था कि ये इक्वेटर है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है ये अपना ट्रॉपिक्स है ठीक है एंड इसके ऊपर सब ट्रॉपिक्स है और ये इंडिया है तो टी जो है वो ट्रॉपिकल क्रॉप भी है एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप भी है तो ये सेंटेंस जो है बहुत है है बहुत इंपॉर्टेंट ये क्या डिफाइन करती है इसकी है्योग्राफिकल कंडीशन ओके एंड एंड डीप फर्टाइल वेल ड्रेन सॉइल दूसरी ज्योग्राफिकल कंडीशन दे दी इन्होंने क्या बोला था कंडीशन एक कंडीशन नहीं मांगी थी तो मल्टीपल देनी पड़ेगी ओके फर्स्ट कंडीशन हो गई सेकेंड कंडीशन दे दी वेल ड्रेन सॉइल विच इज रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर तो अपन ने सॉल को भी डिफाइन कर दिया कि ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में रिच हो सकती है जिससे क्योंकि उससे फर्टिलिटी इंक्रीज होगी ओके नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेम वन स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया अंड रीजन्स वेयर इट इज प्रोड्यूस आई नो रीजन मेमोराइज करना टफ है बट जस्ट गिव इट अ थॉट कि स्टेपल क्रॉप पूछा है स्टेपल मतलब रोज गा रोज का क्रॉप आपका रोज जो आप खाते हो ओके उसे स्टेपल बोलते हैं एंड वेयर इट इज प्रोड्यूज मैंने पूरा डायग्राम से बताया था बट लेट यू जस्ट थिंक उसके बाद में बताऊंगी आंसर ओके आई होप लेट्स सी द आंसर सो यहां क्या है मैंशन राइस दो स्टेपल क्रॉप पड़े थे ने राइस अगर आपका आंसर वीट है तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट क्योंकि वीट मैंने क्या बताया था नॉर्थ इंडिया में ज्यादा खाया जाता है एंड राइस जो है वो नॉर्थ एंड साउथ इंडिया दोनों में खाया जाता है बट दोनों क्या है स्टेपल क्रॉप है एंड रीजन इट इज प्रोड्यूस राइस इज अ स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ इंडिया इट ग्रोज इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया कोस्टल फर्स्ट नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया सेकेंड इज योर कोस्टल एरियाज एंड थर्ड इज योर डेल्टाइक रीजन मैंने क्या बताया था राइस अ वॉटर इंटेंसिव क्रॉप जस्ट लाइक शुगर केन राइस को ज्यादा वाटर uh, की जरूरत होती है दैट इज इरिगेशन या फिर मॉनसूनल रेनफॉल तो कहाँ पे प्रेजेंट होएगा नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा बारिश में होता है मौसम राम चेरापूंजी कुछ बताया था मैंने कोस्टल एरियाज कोस्टल एरियाज क्या होता है दिस इज योर इंडिया एंड ये आपके कोस्टल स्टेट्स हैं ठीक है थीके? मैंने वेस्ट बंगाल को क्या बताया था राइस बोल ऑफ इंडिया ठीक है वो भी कोस्ट पे लोकेटेड एंड डेल्टा एक रीजन डेल्टा मतलब ये रिवर जो बह रही है वो जब ओशन uh, या फिर सी से जब मिलती है तब एक मडी सा ज़ोन बनता है। उसको क्या बोलते हैं डेल्टा De एकदम फैल uh, सी जाती है रिवर इट बिकम्स वेरी लेजी सो अपने सेडिमेंट्स पूरी डिपॉजिट कर देगी उसकी uh, जो एक यहां से एक लाइन में जो निकल रही है ना यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स ऑफ वाटर होंगे तो ये जब क्वेश्चन से मिलेगी तब ऐसा एक डायग्राम प्रेजेंट होएगा दैट इज योर डेल्टाइक रीजन तो यहां पे क्या है बेस्ट एरिया फॉर राइस कल्टिवेशन ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एनलिस्ट द वेरियस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म प्रोग्राम्स इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म प्रोग्राम्स पूछे हैं दैट मीन्स टेक्निकल आपने पढ़ा था ना टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर Introduced by the government in the interest of farmers. Now just think. ये हेडिंग सर्च कर लेना एनसीआरटी बुक में mentioned है वहीं से आंसर है अपना आएगा ठीक है 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 और देखो since इसने शब्द क्या क्या किया Analyst. Analyst का मतलब क्या होता है? कि numbering करके name करो one, two, three में okay? तो क्या हो सकता है टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में भी स्टडी क्रॉप इंश्योरेंस पूरा मैंने डिटेल में समझाया था ये वीडियो में एमएसपी पढ़ा था मिनिमम सपोर्ट प्राइस मैंने इसका डिफरेंस भी बताया था फेयर एंड रेम्यूनोरेटिव प्राइस से एंड प्रोक्योरमेंट प्राइस से एफ आर पी, पी से एंड पीपी से सब्सिडी ऑन एग्रीकल्चरल इनपुट एंड रिसोर्सेस पावर एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी दिस इज सेंटेंस आई हैव एडेड ओके टू जस्ट रिमेंबर दिस ऑल्सो ये एड कर लेना अपनी एनसीआरटी में ओके किसान क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम ये भी मैंने बताया था कि के सी सी एंड पेस शॉर्ट फॉर्म्स लिख लेना याद रह जाते हैं जल्दी प्रोवाइड होते हैं फार्मर्स को किसके वाया इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के अंदर ओके okay? यहाँ पे टेक्निकल नहीं पूछे याद रखना कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म पूछें जो इंस्टीट्यूट मतलब कि अपने पार्लियामेंट या फिर अपनी गवर्नमेंट जो लाई है वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्मस होता है तो ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट ही इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकती है कॉरपोरेट्स तो करेंगे नहीं एम गवर्नमेंट देती है फार्मर्स को सब्सिडी भी गवर्नमेंट देती है गवर्नमेंट के बैंक्स देते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड वैसे ही के जो है येरा के एंड पेस जो है वो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ओके okay? क्स्ट क्वेश्चनल प्रोडक्शन इनिशियटिव पूछा है टेकन बाय गवर्नमेंट टू इंश्योर द इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पुराने वाला क्वेश्चन से सिमिलर आ रहे हैं ना ऑब्वियसली गर्वमेंट ने इनिशियटिव मैंने क्या बताया था वो रिफॉर्म्स कौन लाता है गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने क्या क्या लाया ला था क्रॉप इंश्योरेंस लाया था सब्सिडी लाई थी एमएसपी लाया था के लाया था तो यहां पर भी वो पॉइंट्स आएंगे बट वो क्वेश्चन जो था वो थर्टी वर्ड्स में आंसर करना था अपन को एंड ये क्वेश्चन ट्रिपल मान लो ट्रिपल वर्ड्स में ओके तो जस्ट थिंक एंड राइट इट स्टेट सम मोर एग्जांपल्स आई होप कुछ और भी दिमाग में आया होगा एक फ्रेमवर्क तो बना होगा राइट नाउ लेट्स सी वेरियस इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर द इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन दिस इज योर इंट्रोडक्शन इसके बिना स्टार्ट मत करना ठीक है इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन देना अच्छा लगता है एग्जाम एक इंप्रेशन पड़ता है कि ओ अच्छे फॉर्मेट में देखो इंट्रो आता है देन बॉडी आती है एंड देन कंक्लूजन आता है तो ऐसे पूरा फॉर्मेट अगर लिखोगे ना तो यू स्कोर एक्स्ट्रा मार्क्स बिकॉज एग्जाम को भी अच्छा लगता है कि बच्चे ने अच्छे फॉर्मेट में लिखा है दैट्स वेरी इंप्रेसिव ओके नाउ कलेक्टिवाइजेशन कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग कोऑपरेशन एंड अबोलिशन ऑफ जमींदारी ये मैंने पूरा डिटेल में समझाया था आपको कलेक्टिवाइजेशन कंसोलिडेशन मतलब कि जो बहुत सारे फ्रैगमेंट मार्जिनल फ्रैगमेंट हो गए थे ना लैंड्स के मैंने बताया था कि सिंस पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड इवन बिफोर इंडिपेंडेंस तो एक बड़ा से लैंड के बहुत सारे टुकड़े 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 हो गए थे तो अब गवर्नमेंट का मेन मकसद क्या था उसको कंसोलिडेट करना ऑफ लैंड होल्डिंग्स वैसे ही कोऑपरेशन एक था ऑब्वियसली एंड अबोलिशन ऑफ जमींदारी आई टोल्ड यू अबाउट जमींदार्स हाउ दे आई यूज टू एक्सप्लॉइड आर फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स तो उसको अबोलिश उसको हटाना ठीक है सिस्टम को जमींदारी सिस्टम को तो ये रिफॉर्म्स uh, लाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा आफ्टर इंडिपेंडेंस वो गिवन प्रायोरिटी

प्लानिंग कमीशन क्या लाते थे डिजाइन करते थे 5 ईयर प्लान फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो मोटिव था वो क्या था लैंड रिफॉर्म्स लैंड जो थे ऑल ओवर इंडिया में उसके रिफॉर्म्स ठीक है नाउ नेक्स्ट स्लाइड द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी मैंने बताया था कि 1960s में एंड 1970s में इंट्रोड्यूस हुई थी तो अपन पूरा सीक्वेंस से चल रहे हैं फर्स्ट फाइव ईयर प्लान नाइनटीन फिफ्टीज में आया था नाइनटीन सिक्सटीज देखो एक मैप टाइम लाइन बना देती हूँ जस्ट तो uh, बना लेना ये साइड में नाइनटीन फिफ्टीज में फर्स्ट फाइव ईयर प्लान आया था नाइनटीन सिक्सटीज एंड नाइनटीन सेवेंटीज में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूं मैं तो ये फर्स्ट डाल लेना ये सेकेंड डाल लेना ठीक है ग्रीन रेवोल्यूशन आया था प्लस अपना व्हाइट रेवोल्यूशन भी आया था वाइट रेवोल्यूशन किसके लिए था मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए ओके एंड वाइट रेवोल्यूशन ये देखो स्ट्रेटजी इनिशिएटेड बाय टू इंप्रूव द लॉट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस ये पिछले आंसर जो थर्टी वर्ड में अपने आंसर किया था ना उसका ही है ये कब आया था आफ्टर इवन uh, में ड्यूरिंग नाइनटीन नाइनटीज भी आए थे कुछ एंड आफ्टर नाइनटीन नाइनटीज भी आए थे okay. पहले मैं नाइनटीन नाइनटीज का बता दू नाइनटीन नाइनटीज में कौन सा आया था एमएसपी आया था क्रॉप इंश्योरेंस आए थे सब्सिडी आए थे ओके ना फोर्थ आफ्टर अगर ये टाइमलाइन बना के आपने बताया ना कि हमें टाइमलाइन पता है कौन सी ईयर में कौन सी पॉलिसीज़ टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आए थे तो डेफिनेटली इंप्रेस्ड ओके आफ्टर नाइनटीन नाइनटीज क्या क्या आया था अपने केसी सी पढ़ाया था ना मैंने अभी एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम पेस ओके सो पावर एंड फर्टिलाइजर्स ग्रामीण बैंक एंड किसान कार्ड एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम आर ऑल्सो रिफॉर्म्स ब्रॉट बाय इंडियन गवर्नमेंट इसमें ग्रामीण बैंक भी एड कर लेना ओके okay? ग्रामीण बैंक जो थे वो रूरल एरियाज में इंस्टॉल uh, किए गए थे जिससे जो फार्मर्स थे एग्रीकल्चरल लोन्स दिए जा सके उन्हें क्रेडिट इजीली अवेलेबल हो सके ओके टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट एंड जस्ट मेंशन दीज

इज योर आंसर उसका अपन मेन पॉइंट्स उठाएंगे एन सी आर टी सिलेबस एनसीआरटी टेक्सट बुक में जो मैं जैसे स्टेपल फूड राइस के बारे में बट यहां पर क्या पूछा है जोग्राफिकल कंडीशन बट इंट्रोडक्शन मैंने क्या बोला है इंट्रोडक्शन बॉडी एंड कंक्लूजन इज अ मस्ट इफ यू नीड टू स्कोर गुड मार्क्स ओके प्लस एक डायग्राम अगर हो जाए बॉडी में कुछ भी डायग्राम चल सकता है ओके okay? सो इंट्रोडक्शन में इवन एनसीआरटी में राइस इज अटेपल फूड क्रॉप ऑफ ऑफ ए मेजोरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया मैंने बताया था आपको एग्जाम्पल्स की नॉर्थ इंडिया में राजमा चावल दाल चावल ऐसे खाते हैं एज अ चावल फॉर्म ऑफ राइस प्योर फॉर्म ऑफ राइस खाते हैं एंड साउथ में डोसा इडली जो बनता है वो राइस के बैटर से ही बनता है ओके आर कंट्री फर्स्ट पॉइंट अब क्या आप इनको जोग्राफिकल कंडीशन बतानी है तो आप ज्योग्राफिकल कंडीशन स्टार्ट होएगी आर कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना ऑब्वियसली ज्योग्राफिकल कंडीशन नहीं है दिस अ फैक्ट ओके बट अगर इफ यू आर स्टेटेड दिस मतलब टीचर को आपने बता दिया कि आई ऑल्सो नो दिस ओके तो एक इंप्रेशन क्रिएट होता है विच इज अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए जरूरी होता है ऑब्वियसली तो नाउ अब जोग्राफिकल कंडीशन स्टार्ट हुई है इट इज अ खारिफ क्रॉप काले काले बादल से अपन ने खारिफ क्रॉप याद किया था कि खारिफ क्रॉप काले काले बादल से दैट मीन मॉनसून सीजन में जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं वाटर इंटेंसिव क्रॉप वॉटर इंटेंसिव मतलब ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट रहती है राइस की तभी वो डेल्टा एक रीजन में अपन ने पहले ही पड़ा कोस्टल रीजन में ग्रो होता है विच रिक्वायर्स तीन हाइज बताए थे मैंने योर चीट कोड इज दिस तीन हाईज थ्री हाइज दैट मीन्स हाई टेम्परेचर फर्स्ट हाई इज योर टेम्परेचर दैट इज हाउ मच इट शुड बी अबव ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस ओके सेकेंड हाई आपका क्या है ह्यूमिडिटी ओके okay? मतलब मॉइस्चर कंटेंट जो है एटमोसफेयर में इट शुड बी हाई सेकेंड हाई आपका थर्ड हाई क्या है With annual rainfall above 100 centimeters, high rainfall. ये आपका थर्ड हाई है दैट इज अबव 100 centimeters. यहाँ ये कहाँ मिल सकती है आपको कोस्टल एरियाज में डेल्टाइक regions में ठीक है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में uh, मिलती है रेयरली really मिलती है बट uh, उसके जब एरियाज आएंगे ना तब मैं बताऊंगी कहां पे क्यों मिलती है नाउ इन द areas ऑफ लेस रेनफॉल अब ये लेस रेनफॉल आ गया ना ये इट इज ग्रोन विद्प ऑफ इिगेशन कौन से एरियाज की बात कर रही है ये? पंजाब हरियाणा जहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था 1960s and 1970s में वाया इरीगेशन फैसिलिटी वाई बिकॉज राइज एंड वीट चोजन क्रॉप्स uh, थे वहां पर एंड राइज एंड वीड बोथ हार वॉटर इंटेंसिव क्रॉप ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट चाहिए एंड वहाँ पे तब इिगेशन फैसिलिटीज अच्छे से अवेलेबल थी तो जो एरिया जहां पर मानसून कम है मतलब लेस रेनफॉल पहुंचती है वहाँ पे ग्रोज विदेल्प ऑफ इरीगेशन इंदिरा गांधी कनाल आप लोकेशन देखेंगे राजस्थान पंजाब हरियाणा के थ्रू पास होती है तो वहीं पर लोकेटेड ओके जस्ट नोट दिस पॉइंट पे आते हैं तो राइज इज सेकेंड स्लाइड पर आते हैं तो राइज इज ग्रोन इन द्लेन ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया कोस्टल areas एंड डेल्टा रीजन से पहले के क्वेश्चन में भी मैंने आंसर किया था ये स्टेटमेंट डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल इरीगेशन इंदिरा गांधी कैनाल इज एन एग्जाम्पल अगर ये मैंशन कर दिया ना इट विल इंदिरा गांधी कहां पे लोकेटेड है ये राजस्थान देख रहे हो ये वाला पोर्शन जो राजस्थान है गुजरात है यहाँ पे इंदिरा गांधी कनाल यहां से जाती है ओके okay? तो ये एरिया कहाँ यहाँ पे तो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था राइट नॉर्थ राजस्थान पंजाब हरियाणा नॉर्थ यूपी तो इसीलिए लेस्ट रेनफॉल एरियाज में इरिगेशन फैसिलिटीज़ जहां अवेलेबल है वहां राइस ग्रो होता है वाया कनाल इरिगेशन ओके एंड ट्यूबवेल्स ट्यूबवेल्स साउथ इंडिया में राइस जहां साउथ इंडिया में ग्रो होता है ना वहां ट्यूबवेल्स के वाया ग्रो होता है नॉर्थ इंडिया में

फ्री एजुकेशन इन इंग्लिश एंड इन हिंदी मीडियम बोर्ड सीबीएसई के अलावा हम पांच हद स्टेट्स बोर्ड को भी कवर करते हैं बच्चा डेही यूपी बिहार एम पी एंड राजस्थान बोर्ड यहाँ पे वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्सेज एंड स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी अवेलेबल है दिस इज आवर वेबसाइट एंड दिस इज आर एप डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आर चैनल दीज आर अर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन फॉलोअर्स ई नोट्स एंड ई बुक्स को हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक्स कर सकते हैं थैंक यू फॉर